ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ Welcome to Samveda e-classes. Aagaz tere naam se aikar saze do jahan. Assalamu alaikum. Mohtaram nazreen, aziz tulba o talibat. Main Ruhi Saba phir ek baar aap tamam ka is video class mein tahe dil se istiqbal karti hoon. मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर में उर्दू मौलिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हूँ. तो बच्चों, पिछली जमातों में हमने जमात नहुम उर्दू ज़बान अव्वल के दरसी किताब नौ बहार अदब में मौजूद लेज़र शुआएँ क्या हैं इनके दो हिस्से पढ़े, पार्ट वन और पार्ट टू. आज की इस क्लास में, आज की इस नशिस्त में मैं इस सबक का यानि सबक नंबर छः लेज़र शुआएँ क्या हैं इस सबक का तीसरा हिस्सा आपको पढ़ाने जा रही हूँ. चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं. हर बार की तरह आज भी मैं आपको इस बात की ताकीद कर रही हूँ कि आप अपनी बयाज खलम और नहुम जमात की दरसी किताब लीजिए और आज की क्लास में बताई जाने वाली पढ़ाई जाने वाली तमाम नुकात को कलम बंद कीजिए यानी अपनी बयाज में नोटबुक में दर्ज कीजिए, लिखिए. इससे आपको आगे चल के सहूलत होगी ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से याद कर सकें. तो पिछली दो क्लासेस में, पिछली दो जमातों में हमने क्या पढ़ा, पहले हम उसको देख लेते हैं. आज सबसे पहले हम सबक का इयादा करेंगे यानी पिछली दो क्लासों में हमने क्या सीखा. तो सबसे पहले हमने खालिद इरफान का तारुफ हासिल किया था जिनकी पैदाइश 30 नवंबर 1932 ईस्वी को बामुकाम बेंगलुरु में हुई और हमने ये भी जाना था कि खालिद इरफान उर्दू के एक मायानाज नक्काद थे. उन्होंने कई साइंसी मजामीन उर्दू ज़ुबान में लिखी हैं और इनकी तनकीद मजामीन का मजमुआ जज्ब व एहतसाब के नाम से 2005 ईस्वी में शाये हो चुका है और इनकी वफ़ात 18 अगस्त 2005 को बेंगलुरु में हुई. तो खालिद इरफान का ये तारुफ हम पढ़ चुके हैं. और हमने क्या सीखा था बच्चों, हमने सीखा था, हमने जाना था, हमने पढ़ा था कि रोशनी दो किस्म की होती है, एक कुदरती रोशनी और दूसरी मसनूई रोशनी. और कुदरती रोशनी जो है लामहदूद होती है, इसकी एक रंगी में बू कलमूनी पिन्हा होती है, एक रंग में कई रंग पोशीदा होते हैं. और हमने ये भी समझा था, पढ़ा था कि लेज़र शुआ के इस्तेमाल से आँख जैसे नाजुक अज़ू का ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है. और हमने क्या जाना था कि ये भी जाना था लेज़र से निकलने वाली शुआओं के ज़रिए फौलाद की मोटी चादरों में सुराख भी बनाए जा सकते हैं. ये तमाम हमने पहली क्लास में
पढ़ा था। फिर दूसरी नशिस्त में हमने ये जाना कि लेज़र मुखफ़फ़ है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, किसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। किसका मुखफ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। दुनिया का अव्वलीन लेज़र किसने बनाया था? ह्यूग्स एयरक्राफ्ट कंपनी कैलिफोर्निया के साइंसदान टी एच माइमन ने 1960 ईस्वी में इसको बनाया था। लेज़र शुआओं की खसूसियात के बारे में भी हमने जाना था। वो चार इनफरादी खसूसियात क्या हैं कि इसकी पहली खसूसियत है इसकी गहराई, दुवम एक रुखी, सुवम एक रंगी, चारों धारियों की चौड़ाई। ये चार खसूसियात के बारे में हमने पिछली जमात में पढ़ा था। लेज़र ही एक ऐसा आला है जिससे एक ही तूले मौज और उस सत्य लहर की शुआएं निकलती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि लेज़र ही एक ऐसा आला है, एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा हथियार भी है जिससे एक ही तूले मौज और उस सत्य लहर की शुआएं निकलती हैं। अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ना है उन नुकात की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेज़र शुआओं का इस्तेमाल मुरासलाती निज़ाम में। लेज़र शुआओं का इस्तेमाल तिब्बी मैदान में, तिब्बी इलाज, तिब्बी मैदान में, अस्पतालों में वगैरह जो भी इसका इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर अब जितना भी हम आज पढ़ेंगे उनमें मौजूद अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के माने जानेंगे। इससे ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात व जवाबात भी हम देखेंगे कि कितने सवालात के जवाबात हम दे सकते हैं, और चंद जुमले यहाँ पर दिए जाएंगे, वो जुमले सही हैं या गलत हैं आपको बताना होगा। फिर एक नज़र कुछ कवायद पर डालेंगे। आखिर में आपको होमवर्क, घर पर काम दिया जाएगा और आपको इसे ज़रूर हल करना है, मुकम्मल करना है और अपने टीचर को बताना है। चलिए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो इस सबक का लेज़र शुआएं क्या हैं, सबक का जो हम हिस्सा पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको अपनी दर्सी किताब नौबहार अदब का सफ़ा नंबर 27 देखना पड़ेगा। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 मुलाहिज़ा फरमाइए। आज हम यही सफ़े पर पढ़ने वाले हैं। देखिए इस पैराग्राफ को, देखिए उस सफ़े पे, लेज़र शुआएं अमूमन नज़र नहीं आती लेकिन पारा की बर्खियों को आमिल शय के तौर पर इस्तेमाल करके नज़र आने वाली शुआएं हासिल की जा सकती हैं। अब पहले यहाँ पे देखिए, लेज़र शुआएं अमूमन नज़र नहीं आती, ये नज़र नहीं आती, आम तौर पे ये शुआएं नज़र नहीं आती लेकिन पारा, पारा आपको मालूम है मर्क्यूरी, इसके बर्क होते हैं, इसके पारा के बर्खियों को आमिल शय के तौर पे, चलने वाली चीज़ों के तौर पे इस्तेमाल करके नज़र आने वाली शुआएं हासिल की जा सकती हैं। पारा की बर्खियों को इस्तेमाल करते हुए, कैसे, आमिल शय के तौर पे इस्तेमाल करते हुए नज़र आने वाली शुआएं बनाई जा सकती हैं, हासिल की जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये नज़र आने वाली शुआ है, इसमें पारा की बर्खियों को इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम अपनी सादी आँख से इसको देख सकते हैं। अब
इसमें जो अल्फाज आए हैं मुश्किल अल्फाज हम वो देखते हैं। तो पारा, पारा के माने सीमा, मर्क्यूरी। पारा के क्या माने हैं बच्चों? सीमा, मर्क्यूरी। और फिर आमिल शय, जलने वाली चीज़। आमिल शय यानि जलने वाली चीज़। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आजकल आर्गन, हीलियम और नियॉन, यहाँ पे मैं इन गैसों को क्या कहा जाता है वो यहाँ पे दर्ज की हूँ। गैर आमिल गैसें हैं ये। आजकल आर्गन, हीलियम और नियॉन जैसी गैसों से भी नज़र आने वाली लेज़र शुआएं हासिल की जा रही हैं। इन खसूसियात की बिना पर लेज़र शुआओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने शोबों में इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी अफादियत मुसल्लम बन गई है। लेज़र शुआओं से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर पाए जाने वाले मुकामों के दरमियान मुरासिलत कायम की जा सकती है। राडार और दूसरे मुरासिलाती निज़ाम में कार आमद तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है लेज़र के ताल्लुक से कि आजकल यानी दौरे हाजिर में आर्गन, हीलियम और नियॉन ये भी गैसें हैं, गैर आमिल गैसें हैं। इन गैसों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आने वाली लेज़र शुआएं हासिल की जा रही हैं। कुछ देर पहले हमने जाना था कि पारा की बर्खियों को आमिल शय के तौर पे इस्तेमाल करके, शामिल करके उसको नज़र आने वाली शुआएं हासिल की जा रही हैं। अब यहाँ पे आजकल क्या किया जा रहा है? आर्गन, हीलियम और नियॉन को इस्तेमाल करके नज़र आने वाली लेज़र शुआएं हासिल की जा रही हैं। इन खसूसियात की बिना पर लेज़र शुआओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने शोबों में इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी इफादियत यानि फ़ायदा, इफादियत के माने फ़ायदा, इफादियत के क्या माने हैं? फ़ायदा, मुसल्लम माना हुआ बन गई हैं। तो ये जो खसूसियात हैं लेज़र की खसूसियात की वजह से बिना पर इन शुआओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के कई शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे फ़ायदा हासिल हो रहा है और ये जो इफादियत है मुसल्लम बन गई है यानि मानी हुई, मजबूत बन गई है। इसके इस्तेमाल से कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं और कई साइंस और टेक्नोलॉजी के कई शोबों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे लेज़र शुआओं से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर पाए जाने वाले मुकामों के दरमियान मुरासिलत कायम की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हज़ारों किलोमीटर दूर पाए जाने वाले मुकामात, इनके दरमियान मुरासिलत कायम की जा रही है, की जा सकती है, राबता किया जा सकता है। जैसे कि अब एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जो हम मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं बहुत दूर होते हैं हमारे, जिसे हम रिश्तेदार जिसे हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए आप, हमारे हाथों में मोबाइल भी एक करिश्मा, मौजज़ा भी हम कह सकते हैं कि जो बहुत दूर होता है उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है और आजकल हम उसको देख भी सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये सब मुमकिन हुआ शुआओं की वजह से, शुआओं के इस्तेमाल से, रेडिएशन जिसे कहा जाता है, इनके इस्तेमाल से ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई हैं। तो मुरासिलत कायम की जा सकती है। मैसेज भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं, कोई पैगाम देना हो आप यहाँ पे लिखते हैं और जब आप उसको भेजते हैं तो वो उनके मोबाइल पर नज़र आने लगता है। ये भी शुआओं का कमाल है। राडार, राडार यानि जंगी हथियार। अभी कुछ देर में मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। राडार
जंगी हथियार यानी जंग के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार, और दूसरे मुरासलाती निज़ाम पैगाम रसानी का तरीक़ा। मुरासलाती निज़ाम के क्या माने हैं? पैगाम रसानी का तरीक़ा। अभी कुछ देर पहले मैं बताई ना, पैगाम यहाँ से वहाँ पर जो हम भेजते हैं या बातचीत है हमारी मोबाइल के ज़रिए, कुछ भी, ये तमाम चीज़ें इसी की बदौलत मुमकिन हो गई हैं। और इन शुआओं के इस्तेमाल से कई कारामत तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, इसमें और कई तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। वक्तन फवक्तन जो साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई ईजादात हो रही हैं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ऐसा बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। जैसे पहले पैगाम पहुंचाने के लिए ख़त का इस्तेमाल किया जाता था, खतूत का, यहाँ से लिख के भेजना, फिर पोस्ट करना, फिर वहाँ पे वो चला जाता था। आजकल ऐसे नहीं है कि सेकेंड क्या लम्हे के हज़ारवें हिस्से में भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हम लिखते हैं मोबाइल के ज़रिए दूसरी तरफ चला जाता है। ये तमाम जो मुमकिन हुआ है वो रेडिएशन शुआओं की बिना पर ही मुमकिन हुआ है। हाँ, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बताई कि आजकल जो नज़र आने वाली लेज़र शुआएँ हैं वो आर्गन, हीलियम और नियॉन के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं, की जा रही हैं। तो यहाँ पर इनकी तस्वीर है, ये है आर्गन, हीलियम और नियॉन। इस तरह इनके इस्तेमाल से इस तरह से नज़र आने वाली शुआएँ बनाई गई हैं। और हमने पढ़ा कि इसे राडार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए राडार, एक छतरी नुमा आपको नज़र आ रहा है, मगर इससे शुआएँ निकलती हैं और इनका एक दायरा होता है। अगर वो उस दायरे में किसी दुश्मन का कोई, समझे कोई हवाई जहाज़ आ रहा है जो हमारी दुश्मन का हो सकता है, दुश्मन का है, तो जब वो उन दायरों में दाखिल होता है तो इसके ज़रिए वहाँ पर मौजूद काम करने वालों को मालूम हो जाता है कि कुछ तो इस कुछ यहाँ पर दाखिल दुश्मन दाखिल हो चुका है। इस तरह इन राडारों के ज़रिए पता लगाया जा रहा है, जो कि शुआओं के ज़रिए ही मुमकिन होता है। और यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए मुरासलाती निज़ाम यानी ऐसे टावर लगाए गए हैं हर तरफ, आप देख हर तरफ आजकल तो लगाए गए हैं। तो ये टावर क्या करते हैं, जो रेडिएशन है उनको यहाँ से एक मोबाइल से लेते हैं और दूसरे मोबाइल तक उसको पहुँचाते हैं। तो ये शुआओं के ज़रिए ही होता है, ये तमाम काम शुआओं के ज़रिए ही होता है। अब देखिए आगे, खून के बेरंग हिस्से जिसको प्लाज्मा और सेरम भी इंग्लिश में कहा जाता है, खून के बेरंग हिस्से और रकीक हिस्से पैक्ड सेल जिसको कहते हैं के सिलसिले में तजुर्बात किए जा सकते हैं। तो खून के बेरंग हिस्सों का पता लगाने में और रकीक हिस्सों का पता लगाने में भी इसके ज़रिए तजुर्बात किए जा सकते हैं। और तैफ पैमाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किए जा सकते हैं, यानी आप देखे होंगे अक्सर वो एक मशीन होती है जो जिसमें पेशेंट के दिल की धड़कन बताई जाती है, अभी कुछ देर में उसकी तस्वीर मैं आपको बताऊंगी, वो भी इससे किए जा सकते हैं। बैन सैयारा पैगाम रसानी यानि सैयारों के दरमियान मुरासिलत और मुरासलाती निज़ाम क़ायम किए जा सकते हैं, सैयारों के दरमियान मुरासलत और मुरासलती निज़ाम क़ायम किए जा सकते हैं। जैसे कोई दूसरे सैारे पे यहाँ से हम रोबोट वग़ैरह भेजते हैं और वहाँ की तस्वीर वग़ैरह उसके ज़रिए यहाँ पे आती हैं और वहाँ की मालूमात हम हासिल करते हैं, इसमें भी इन शुआओं से मदद मिलती है। और बर्फ़ रफ्तार फ़ोटोग्राफी की जा सकती है और बहुत तेज़ी के साथ कई फ़ोटो हम इससे ले सकते हैं। इसके अलावा फौलाद और हीरे जैसी सख्त अशिया को काटा जा सकता है, पिछली जमात में हमने फौलाद के बारे में पढ़ा था कि फौलाद को काटा जा सकता है, बिल्कुल काटने पर ही तो सुराख बनते हैं। और उसके बाद हीरे जैसी सख्त, हीरा बहुत सख्त शय है, उसको भी इसके ज़रिए इन शुआओं के ज़रिए काटा जा सकता है, इनमें सुराख बनाए जा सकते हैं।
हर मरकजी, हर मरकजी यानी थर्मोन्यूक्लियर जौहरी तवानाई, उसमें भी आमेजिश को मुमकिन बनाया जा सकता है, मिलावट को मुमकिन बनाया जा सकता है। यानी हर मरकजी चीज़ों में, यानी जो भी है कुछ उसमें हम मिलाना चाहते हैं तो इसकी मदद से वो चीज़ मिलाई जा सकती है। यहाँ पे देखिए खून के रकीक हिस्से यानी पैक्ड सेल, और ये खून के बेरंग हिस्से प्लाज्मा, ये जानने के लिए, इनके बारे में पता लगाने के लिए इससे तजुर्बात किए जाते हैं। और तैफ पैमाई तजिया, देखिए ये है, ये इस तरह से वो दिखाई देते हैं। ये जो तजुर्बात होते हैं ये लेज़र शुआओं के ज़रिए किए जा सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि दिल की धड़कन को भी पता, दिल की धड़कन के बारे में भी मालूम किया जा सकता है। खातिल शुआओं में तब्दील करके जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जहरीली मादा कोई चीज़ मिलाकर खातिल शुआओं की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर तिब्बी मैदान में इससे बेशुमार काम लिए जा सकते हैं। तिब्बी मैदान यानि इलाज करने में भी, यानि अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में वगैरह में भी इसमें बहुत सारे काम, इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। जैसे आँख, सर की खोपड़ी, पेट की जिल्द जैसे नाजुक आज़ा, बदन पर अमले जराही में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम के ऑपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंसर और अल्सर का इलाज भी किया, इससे किया जा सकता है। लेज़र शुआओं के इस्तेमाल से कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। बिलखुसूस यानि ख़ास तौर पे जिल्द की कई बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिल्द की कई बीमारियों में भी इनका इस्तेमाल, लेज़र शुआओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दांतों के बारे में इनकी मदद से हैरत अंगेज दरियाफ्तें की गई हैं। यानी दांतों का मसला भी अगर पेश हो तो इसके ज़रिए कई दरियाफ्तें, हैरत अंगेज दरियाफ्तें की गई हैं। तो बहुत सारे मैदानों में लेज़र शुआओं का इस्तेमाल करते हुए कई काम सरंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें से ऑपरेशन के बारे में तो हम तमाम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गर्ज लेज़र शुआएं इंसान के हाथ में एक ऐसा आला हैं, हथियार हैं, जिनसे वो कायनात के कई सरबस्ता राजों पर से पर्दा उठा सकता है। ये लेज़र शुआएं क्या हैं? इंसान के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए वो इस दुनिया में मौजूद कई छुपी हुई चीज़ों पर, कई छुपी हुए राजों पर से पर्दा उठा सकता है। कई नाकाबिले इलाज बीमारियों का कामयाब और महफूज इलाज कर सकता है। नाकाबिले इलाज बीमारियों का भी इलाज इससे किया जा सकता है। जैसा कैंसर नाकाबिले इलाज है, मगर शुरुआत में अगर पता चले तो इसके ज़रिए उसका इलाज किया जा सकता है और महफूज इलाज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और खलाई सफ़र में मुहैयरुल अक़ल, अक़ल को हैरत में डालने वाली बात, कारनामे अंजाम दे सकता है। चाहे तो इस दुनिया को पल में तोड़ फोड़ कर रख सकता है। यानि खलाई सफ़र, हवाई सफ़र या फिर खला में जो जाते हैं दूसरे सैयारों पर वगैरह, उसमें भी इसके इस्तेमाल से ऐसे काम अंजाम दिए जा सकते हैं जिससे अक़ल हैरत में पड़ जाती है, हम हैरत में पड़ जाते हैं। और इसमें इतनी ताकत है कि चंद कुछ पल में इस पूरी ज़मीन को हमारी तोड़ फोड़ कर रख सकता है। लेज़र शुआएं तदबीर व तकदीर इंसानी के लिए आजमाइशी बल्कि फ़ैसला कुन आला मुहैया करती हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के जौहरी तवानाई। तो जौहरी तवानाई क्या है? तदबीर हम करके उसको बनाए, मगर अगर वो आजमाइश के तौर पे भी है, हम उसका इस्तेमाल अगर अच्छे से करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो बहुत नुकसान हम सबको होगा। चलिए आज जो कुछ हमने पढ़ा उनके उस पर सवालात देख लेते हैं और उनके जवाबात पढ़ लेते हैं कि आजकल लेज़र को किस तरह हासिल किया जा रहा है। बच्चों अपने बयाज में इसको नोट करते चलिए, दर्ज करते चलिए, कलम बंद करते चलिए कि आजकल लेज़र को किस तरह हासिल किया जा रहा है। किस तरह हासिल किया जा रहा है? बिल्कुल आर्गन, हीलियम और नियान जैसी गैसों के
इस्तेमाल से इसको हासिल किया जा रहा है। तिब्बी मैदान में लेज़र शुआ के क्या फ़वाद हैं, क्या फ़ायदे तिब्बी मैदान में इन लेज़र शुआओं से हासिल किए जा रहे हैं। तिब्बी मैदान में इससे बेशुमार काम लिए जा सकते हैं। आँख, सर की खोपड़ी, पेट की जिल्द जैसे नाजुक आज़ा, बदन पर अमले जराही में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंसर और अल्सर का इलाज किया जा सकता है। बिलखसूस ख़ास तौर पर जिल्द की कई बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दांतों के बारे में भी इनकी मदद से हैरत अंगेज दरियाफ्तें की गई हैं। चलिए कुछ यहाँ पर जुमले हैं, सही हैं या गलत बताइए। चलिए, लेज़र 7 रंगों की रोशनी को कहते हैं। क्या लेज़र 7 रंगों की रोशनी है? नहीं। तो इसका जवाब क्या है? बिल्कुल गलत। लेज़र जैसी अनोखी ईजाद का सहरा अमरीकी और रूसी दोनों मुल्कों के साइंसदानों के सर है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल ये सही है। लेज़र की तवानाई से अंडा उबाला जा सकता है? नहीं, लेज़र की तवानाई की मदद से अंडा नहीं उबाला जा सकता, ये गलत है। लेज़र से बर्क रफ्तार मुरासलाती निज़ाम कायम किए जा सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। लेज़र से बर्क रफ्तार मुरासलाती निज़ाम कायम किए जा सकते हैं। आखिर में देखिए थोड़ा सा कवायद। हरूफ़ इल्लत क्या है, क्या मुराद है? हरूफ़ इल्लत से मुराद ऐसे हरूफ जो सबक को ज़ाहिर करते हैं, सबक बताते हैं। हरूफ़ इल्लत के क्यों, चूँके, ताके, इसलिए, लिहाजा वगैरह हैं। हरूफ़ इल्लत कौन कौन से हैं? ये तमाम। के, क्यों, चूँके, ताके, इसलिए, लिहाजा, ये तमाम हरूफ़ इल्लत हैं। इनके ज़रिए हम अपनी जो बात है उसकी वजाहत कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि आप तशरीफ़ लाए, यानी कोई तशरीफ़ लाए हैं, जब हम सबब बयान करते हैं, वजाहत देते हैं कि हाँ मैं ये कह रहा था कि आप तशरीफ़ लाए। क्यों, क्या हुआ, सबब पूछते हैं, वजाहत चाहते हैं, क्यों, क्या हुआ। उसके बाद जो जुमला है देखिए, चूँकि आपसे मिला था इसलिए ऐसा हुआ, यानी कोई कह रहा है कि हाँ आपसे मिला था इसलिए ऐसा हुआ, वजाहत यहाँ पे भी बयान हो रही है। आप ही मुनासिब शख्स थे इसलिए आपको बुलाया गया, यहाँ पे इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि वो शख्स मुनासिब था इसीलिए उसे बुलाया गया है। वजाहत सबब बयान करते हैं। आखिर में घर पर काम, देखिए जो आज मैंने बताया है, आपको पढ़ाया, आपको याद रखना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम अहम नुकात आपने कलमबंद किए होंगे, उसको पढ़िए, सबक को पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और आखिर में मैं आपको आपका होमवर्क देती हूँ कि लेज़र शुआओं से क्या काम लिए जा सकते हैं। आपको ये होमवर्क मुकम्मल करना है, अपने अल्फाज में जवाब लिखना है और अपने टीचर को दिखाना है। बस यहीं पर आज की क्लास ख़त्म होती है। मैं रूही सबा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, अरब मोहल्ला, रायचूर, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।